ये ट्रिक है इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने की, तो हमें बार बार कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप डायग्राम बना लीजिए और विजुअली सॉल्व कीजिए। इससे आपको हमेशा पता चल जाएगा कि आपको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कैसे लिखना है। जैसे कि आपको इंटीरियर एंगल बी निकालना है, आपने लिखा बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी माइनस फोर बेयरिंग ऑफ लाइन बी सी। तो ये तरीका हो गया कन्वेंशनल के लिए, क्योंकि वहां पर उनको स्टैंडर्ड तरीके में दिखाना होता है। पर अगर ये चीज ऑब्जेक्टिव में पूछी जाए तो हम इसे कैसे सेकेंड टर्म सॉल्व करेंगे। इसके लिए मैं सबसे बताना चाहूंगा कि आपको दे रखी है ये लाइन होल सर्किल बेयरिंग के लिए है ये अभी ट्रिक। अब देखिए इसको रन कराया मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में, क्योंकि सबकी फोर बेयरिंग दे रखी है। और ठीक है, ऐसे में दे रखा है कि ऑब्जर्व विद ए कंपास फ्रॉम द मेरिडियन। सो ये मेरिडियन रहा, सबको क्लॉकवाइज में मेजर किया था, उन्हें बीच में क्लॉकवाइज कर दिया। अब हम इनको एक सीक्वेंस लिख देते हैं, ए बी सी डी ई में लिख दिया। अब हम जब भी देखेंगे तो एक ही चीज़ देखेंगे, जैसे कि इनके ऊपर ये पीएस बना लीजिए, ये करके ये करके ये करके ये बनाए ना बनाए, आप बात समझ जाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। सबसे पहले हमें निकालना है एंगल बी। जैसे इंटीरियर एंगल हमको कैलकुलेट करना है, इंटीरियर एंगल बी पे करना है। तो आप इस पे देखिए, बी पे बी से पहले ए है, तो आपको हमेशा इसी डायरेक्शन से चलना है लेफ्ट टू राइट, क्योंकि क्लॉकवाइज में है। तो ए बी सी डी ई बी फाइंड आउट करना है, तो ए में से बी घटा देंगे। तो ए यहाँ पर ए की दे रखे 60 डिग्री, बी की दे रखे 122 डिग्री। आइए हम देखते हैं, 60 डिग्री माइनस 122 डिग्री, ये आ गया -62 डिग्री। याद रखिए, जब भी वैल्यू अगर 180 से कम हो या 0 से कम हो, आपको +180 करना है। एंगल आ गया 118 डिग्री, 118 डिग्री। अब सोच रहे होंगे पॉइंट थ्री क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने थोड़ी वैल्यू गलत कर दी थी। 61.5 माइनस 122 डिग्री, अब आप देख लीजिए +180, और ये वैल्यू डिग्री में 128 डिग्री 30 मिनट। उसी तरह से आप बी देखिए, बी के लिए इससे पहले ए 60.5 माइनस 122, सॉरी +122 फिर +180 डिग्री 118.5। सी के लिए देख लीजिए, इससे पहले बी पे 122 माइनस 46, ये फिर से 180 से कम है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए, अगर वैल्यू आने वाली वैल्यू 180 से कम है तो दो कंडीशन होती है, या तो 0 से कम है या 0 से 180 के बीच में। 0 से 180 के बीच में तो अभी आपको 180 जोड़ना है, और 0 से कम है तो 180 जोड़ना है। अगर यही वैल्यू ग्रेटर देन होती है तो आपको 180 घटाना है। तो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ फटाफट बिना टाइम खाए हुए। जैसे हमने ये वाला ले लिया सी, सी में नहीं, हम लेते हैं इंटर ए लेते हैं। तो ए से पहले ई, ई पे दे रखे 300 300 माइनस, और ए पे दे रखे 60, 239.5। अब आराम से देखिए, 180 से ज़्यादा है तो आप 180 घटा देंगे। ये इंटीरियर एंगल आ गया 59 डिग्री, देखना चाहें तो हम देख सकते हैं सॉल्यूशंस में। थैंक यू। आगे भी मैं इसी तरह की जो और मेरे पास जो ट्रिक है उनके वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस बार मैं खुद ही प्रिपरेशंस कर रहा हूँ ईएससी 2018 के लिए। सो फ्रेंड्स, जो जो चाहते हैं कि इसी तरह की और आसान से ट्रिक मिले, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मेन चीज़ ये है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें आनी चाहिए, ताकि जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं तो हम इस तरह के फॉर्मूल्स में हमेशा कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, और लगभग 2 से 3 मिनट लेंगे। पर अगर इस तरह की ट्रिक से होंगे तो आप 20 मतलब एक एंगल के लिए आप मुश्किल से 2 सेकेंड लेंगे या 3 सेकेंड लेंगे, डिपेंड करते हैं आपके कैलकुलेशन पर। तो थैंक्स फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।